अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो इनक्रेडिबल जैक जंपिंग रनिंग, ये वीडियो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है। अच्छी गेम है, मारियो की तरह ही है जो बचपन में खेलते थे। क्वींस पिक करने होते हैं, ठीक है, और जो रास्ते में आए उसे जंप करके ख़त्म करना होता है, हिट करना होता है। इजीली गेम है और क्या स्मूथ गेम है। बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। क्वींस इकट्ठे करने हैं और ड्रम मिलते हैं, ड्रम में क्वींस होते हैं। ड्रम को हिट करेंगे तो क्वींस निकलेंगे और फिर पिक करने होते हैं। और दौड़ते दौड़ते रनिंग करते करते आगे बढ़ना होता है। ये देख रहे हैं आप, स्नेक आ रहे हैं और जंप करेंगे, स्नेक को पंच करेंगे। इसी तरह फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे रास्ते में आते रहेंगे और क्वींस को भी पिक करना है, जमा करते जाना है आपने। ये जंप आ गई, जैसे जैसे एरो का भी निशान आता है कि आगे आपने बढ़ना है और बढ़ते चलते जाना है। ये देख रहे हैं आप, फाइट भी जा रही है इसमें, इजीली है, स्मूथ गेम है, कमाल की गेम है। बड़ी LED में लगी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है गेम खेलने का। मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ लेकिन इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। वीडियो को फुल वॉच किया करें, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें। अल्लाह आपको खुश रखे, दुआओं में याद रखें हमेशा। मैं सबके लिए दुआई करता हूँ, अल्लाह सबको खुश रखे और सबकी दुआएं कबूल करें। आमीन। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बैड लक, मैं आउट हो गया था, दोबारा मुझे चांस मिला। इंशाल्लाह ये चांस ख़त्म नहीं होने दूंगा, स्टेज कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह। ये आ गए स्नेक, स्नेक को पंच करते हैं। ये अब क्वींस के लिए आगे बढ़ते हैं, चले लेट्स स्टार्ट। ये ड्रम मैंने नीचे फेंके और स्नेक को आउट किया इजीली, और फिर ये स्लिप। हाय हाय हाय, क्या मज़ा आ गया, गुड हो गया। अब ऊपर जाएंगे, जंप करेंगे, ये बॉक्स तो आउट नहीं हो रहे। चलें क्वींस इकट्ठे करते हैं, 1 2। ये मारियो जैसी गेम लग रही है मुझे तो। चलें अच्छी गेम है, हर दफ़ा न्यू वीडियो के साथ, न्यू गेम के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको न्यू वीडियो मिलेगी न्यू गेम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। हमेशा मेरी दुआ है आप लोग मुस्कुराते रहें। स्टेज हो गई है कंप्लीट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।